अमर है क्योंकि तुम ही हो, और क्योंकि इसीलिए क्योंकि है, आई थिंक क्योंकि है तो हमें ये जो क्योंकि से क्योंकि तक का जर्नी है. या मैं क्योंकि इट्स कम बैक इनटू माय लाइफ, मजा आ रहा है. आई मीन इट जस्ट इज कोइंसिडेंस, यू नो पीपल थिंक इट्स नॉट, बट आई दे माइट थिंक इट्स नॉट, बट थोड़ा सा मेरे लिए जब एक नाम सेलेक्ट हुआ तो चैनल इंसिस्टेड के इसका नाम हम क्योंकि तुम ही रखेंगे, और भी ऑप्शंस थे तो मैंने पहले मना किया, मतलब ये मत करो यार, क्योंकि यू नो इट फील लाइक इट लुक लाइक वेरी ऑब्वियस कि मैंने ये जानबूझकर किया है. बट क्योंकि कनेक्शन बट हमेशा स्ट्रांग रहा है, इतना करीब रहा है. सो दैट्स व्हाट दे सेड एग्जैक्टली, उनका यही कहना था कि क्योंकि एक इतना बड़ा लैंडमार्क है टेलीविजन इंडस्ट्री का, आज 22 साल हो गए क्योंकि वो 2000 में लॉन्च हुआ था, 22.5 साल, और आज तक उनकी टीआरपीज ब्रेक नहीं हुई. सो आई थिंक व्हेन मिहिर डाइड एंड केम बैक एंड तब उधर 29 टीआरपी थी, 29 इज अ नंबर व्हेन सैटेलाइट इंडस्ट्री में सबसे बड़ा था, तो वो यही कह रहे थे कि दिस इज व्हाट आई फील इट शुड बी, एंड तो आई फोट विद हिम विद बिजनेस हेड सुभाष ओमानी जी, आई फोट विद हिम. I said, don't do this. Yeah, this is not, this is like, no, no, but this is going with the serial also. I said, of course. Baki aur do teen naam hai, wo bhi ja rahe hain. To usko dekh lo. Bola, nahi. I think this is what it is. We all, team likes this in Shemar Umang, and we keep, kyunki tum hi ho. It's pretty apt also for the subject jo humara hai, triangle of story hai, ladki ki kahani, kaviya ki kahani. To usme, uska life partner jo, wo kehta na ki, bahut line hamari ek hai, कि किसी ने किसी के लिए कोई ना कोई बनाया है, कोई कोई ना कोई होता है ज़िंदगी में उसके, तो वो कौन है उसकी ज़िंदगी में, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो तुम इज इम्पॉर्टेंट. हाँ, वो तुम ही हो तो तुम कौन हो, तो वो इम्पॉर्टेंट है एक लड़की के लिए. तो वो उसकी कहानी है लड़की की, तो वो भी ऐप था. तो फिर क्योंकि तुम ही हो फाइनल हुआ, आई हैड नो अदर ऑप्शन टू यू नो एग्री विद दैट, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट नाउ. फाइनली आई एम नॉट द वन हू डिड दिस, यू नो, सो डोंट ब्लेम मी. तो एक्टर से प्रोड्यूसर तक का सफर कितना, कितने क्या चेंजेस लग रहे हैं अब दोनों साइड पे हो, मतलब एक्टर भी प्रोड्यूसर भी, तो किन किन किस नज़र से जब सेट पे जाते हो तो कौन सी नज़र से देखते हो पहले? दोनों एक्चुअली. मैं जब मैं जिस दिन मैं एक्टिंग कर रहा होता हूँ एज ए प्रोड्यूसर सेट पे, नया नया प्रोडक्शन तो मैं रोज जाता हूँ, बट जब मैं एक्टिंग कर रहा होता हूँ तो मैं आई एम इन द एक्टर फ्रेम ऑफ माइंड. जब मैं नहीं कर रहा हूँ तो तब मैं मेरे अकाउंटेंट से, मेरे प्रोडक्शन हेड से, उनके साथ बैठा होता हूँ कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तुम्हारा क्या लगने वाला है. मेरे स्टोरी राइटर्स हैं, उनके साथ बैठता हूँ कि भाई आगे क्या हम लोग कहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं, कौन से ट्विस्ट टर्न्स ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं. आई एम डूइंग दैट मोस्ट ऑफ द टाइम. सो आई थिंक आई एम एन्जॉइंग द बोथ द पार्ट, यू नो, एज अ प्रोड्यूसर लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरी डिपार्टमेंट और एवरी कॉल दैट मैं और मेरा पार्टनर सोहिल लेते हैं, तो वो कॉल हमारा कॉल होता है कि ये सेट बना है तो ये सही लग रहा है, ये राजघराना लग रहा है, ये आउटडोर जा रहे हैं तो इट लुक्स लाइक ए पैलेस, और ये मोहल्ला लग रहा है नहीं लग रहा है, इसमें क्या होना चाहिए, क्या कलर्स होने चाहिए. देन वी हैव द चैनल बैकअप टू सपोर्ट अस एंड टेल अस दैट नो वी वांट दिस स्लाइटली होगा तो इसमें इतना अच्छा लगेगा. तो दे हैव द एक्सपीरियंस विद द चैनल पीपल एक्सपीरियंस्ड, तो वहाँ से कन्फर्मेशन मिलता है हमको, तो वी गो अहेड. एंड बट या इट्स योर बेबी, यू टेक डिसीजन, यू नो, के कैसे ये क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या बड़ा होगा. वो कौन दोनों में से कौन सा रोल प्ले करने में मजा आ रहा है, मतलब एज अ प्रोड्यूसर का या एक्टर? सी बोथ एक्चुअली, यू नो, प्रोडक्शन इज समथिंग न्यू फॉर मी, पहली बार कर रहा हूँ मैं, तो वो मजा आ रहा है. नई नई चीज़ें जो मैं करना चाहता था बहुत सालों से. समटाइम्स बहुत चैनल वाले ऐसे थे कि अरे यार एक्टर कैसे कर पाएगा यार, प्रोडक्शन इज वेरी डिफरेंट, टीवी बहुत चैलेंजिंग है, बहुत डिलीवरीज होती हैं एवरी वीक, 5-6 एपिसोड निकाल, वो आप कर पाओगे, वो पता है क्या होता है ये, वो बहुत ऑफकोर्स मैंने बहुत किया है, देखा है, एक्टिंग करी है, और मुझे पता भी है चैलेंजिंग, बट दे वर नॉट कन्विंस्ड. सो व्हेन मी एंड सोहिल गॉट टुगेदर, हमने कन्विंस किया कि वी नो दिस, एंड सोहिल हैज आल्सो बीन इन दिस, एंड आई एम आल्सो इन दिस, एंड आई नो द क्रिएटिव पार्ट, फाइनेंस पार्ट, दिस दैट, सोहिल नोज द प्रोडक्शन साइड ऑफ इट. And we can achieve this, you know. And story also was apt what they were looking for. वो जो देख रहे थे वही कहानी हमको मिली और उनको पसंद आ गई. एंड दे वर कन्विंस्ड, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि उन्होंने मुझे पहले मौका दिया, फर्स्ट मौका दिया शेमार उमंग ने टू प्रोड्यूस डेली सोप. और इट्स अ ब्यूटिफुल चैनल क्योंकि ये मार्केट को समझ के आए हैं. वेराइटी ऑफ शोज जो होते हैं वो सब कुछ है इन पे, एंड देयर जीआरपी इज़ ग्रोइंग बाय द डे.
चिमारू टीवी की तो आज 70 के आसपास टच कर रही है, विच इज़ ब्यूटिफुल फॉर फ्री टू एयर. ऑल्सो उमंग इज टचिंग 40, सो नथिंग टू कंप्लेन. एंड सही जगह पर हूँ मैं और मज़ा आ रहा है दोनों साइड. एक्टर की लाइफ सुखी होती है. मैं बताऊँ जैसे टीम आनंद जी ने बहुत सालों पहले जब मैं उनके साथ काम किया था एक बार, उन्होंने कहा था कि एक्टर सबसे सुखी होता है हमारे इंडस्ट्री में. तो सही बात है उनकी, आज पता चल रहा है. एक्टर आता है 9 बजे की शिफ्ट में, 9 बजे आ जाता है, काम हुआ ख़त्म 4 बजे हो गया, 9 बजे हो गया, निकल जाता है. उसको आसपास का कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, अपनी फीस लेता है, घर पर बैठता है. पर यहाँ प्रोड्यूसर इज एवरीथिंग. करेक्ट. तो यहाँ जो है करण प्रताप सिंह, काव्या और आयुष्मान, इन तीनों की इर्द गिर्द जो स्टोरी होने वाली है, लव स्टोरी, लव ट्राइंगल कहेंगे. या काव्या शर्मा की जर्नी है. जैसे मैंने कहा, उसके बड़े बड़े ख्वाब हैं, ख्वाब पूरे होते हैं. एक्चुअली आयुष्मान इनिशियली इज वन साइडेड लव स्टोरी, ही लव्स हर, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं उसके लाइफ में हुई हैं जो उसे बोल नहीं पाता, वो डरता है, साइलेंट लवर टाइप से. लेकिन जब इसकी ज़िंदगी में काव्या की जब ये एंट्री करता है उन दोनों की लाइफ में, तब थिंग्स आर सॉर्टेड फॉर काव्या बट डिस्टर्ब फॉर आयुष्मान ऑब्वियसली. उसके बाद काव्या का सपना पूरा होता दिख रहा है, लेकिन एक पड़ा लेकिन उसमें कि उसके सपने के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आती हैं. कहते हैं भगवान सब कुछ नहीं देता किसी को, हर एक इंसान को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है. बहुत ज़्यादा पैसा हो तो हेल्थ ख़राब होती है किसी का, कोई मर जाता है, किसी कुछ भाग जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है. मतलब नोबडी इज कम्प्लीट हैप्पी अनलेस सब कुछ त्याग करके हिमालय चले जाओ. अदरवाइज यू नो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कोई सब कुछ नहीं है. तो ऐसा ही काव्य की ज़िंदगी में है, बट इसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा है. इसका ऐसा है कि ये यू नो सपने तो पूरे होते हैं, लेकिन कम्स ए लॉट ऑफ नेगेटिव बैगेजेस इन लाइफ, और एवरी स्टेप उसकी ज़िंदगी में एक चैलेंज आता है लाइफ में, जो लाइफ थ्रो करते हैं. तो ये सपने ये ले पर ये तो ये, और एवरी चैलेंज इज बिगर. और वो अकेली लड़की फाइट करती है इसके लिए, और वो कैसे कर पाती है या नहीं कर पाती है, जर्नी काव्या की है. कितने नेगेटिव्स घर के अंदर से मिलते हैं, अपने घर में, मेरे घर में या कहीं और, क्या क्या मतलब उसको वो जो झेलना पड़ता है वो हमने बहुत कम देखा है टीवी में. जो मतलब ये अलग किस्म की फाइट है लाइफ में इसकी, जो हमने एक्सप्लोर नहीं करी है. टीवी में की होगी पता नहीं, बहुत कम की होगी या लोगों को याद नहीं होगा, बट इट्स अ डिफरेंट जर्नी ऑफ काव्या शर्मा वी फ्राई टू. और ये ऐसा नहीं है कि ये लव स्टोरी ही है, इसमें फैमिलीज भी इन्वॉल्व हैं. कभी कभी फैमिलीज के रोल है, जो हमारे एल्डर्स हैं उनके रोल बढ़ जाते हैं, तो वो एक रीज़न की वजह से जो काव्या के साथ इन्वॉल्व होते हैं. कभी ये लव स्टोरी में तब्दील हो जाता है, बट इट गोज वेरी ऑर्गेनिकली, एवरीथिंग वेरी नाइसली, इट्स इंटरवोवन पूरा प्रॉपरली. एंड एवरी स्टेप वी हैव ब्यूटिफुल सरप्राइज एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स विच आई थिंक विल एनग्रॉस द ऑडियंस प्रॉपरली. 2022 जा रहा है, क्या क्या चीज़ें दे के जा रहा है, और 2023 का वेलकम कैसे कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें और चीज़ें पाइपलाइन में है, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस? 22 अच्छा था, बहुत अच्छा था. भूलभुलैया 2 मैं फॉर फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी पिक्चर में मैं इन्वॉल्व था, और आई थैंक अनीस भाजमी फॉर दिस एंड मुकेश छाबरा फॉर दिस. उन दोनों ने मुझे कॉन्फिडेंस दिखाया कि ये रोल अमर करेगा ऑपोजिट तबू. आपको फैंटास्टिक को स्टार्स कार्तिक आर्यन, तबू, एवरीबडी वाज सो गुड ऑन द सेट. एनर्जी कुछ और थी, करते करते लग रहा था कि ये बहुत अच्छा बन रहा है, तो एक फीलिंग आती है. तो वो एक बहुत अच्छी जर्नी रही मेरी, जो हमने शुरू किया था 2020 में शुरू किया था हमने, पर कोविड की वजह से फिर सबकी डेटें हिल गई, और 21 में डेट आई और सेकेंड लॉकडाउन लग गया, और मुझे, कार्तिक को और काफ़ी लोगों को हमारे सिर पे कोविड हो गया सब लोगों को, तो वो फिर डेटें कैंसिल हुई, और फिर मतलब एक बहुत ही डिफिकल्ट, कभी कभी लगता है यार क्या हो रहा है, मतलब इज दिस मेंट टू बी समथिंग यू थिंक यू नो कि यार इतना टाइम हो गया इसको. मतलब आजकल के ज़माने में तो फिल्म शुरू होती है ख़त्म होती है, तो है ना ये मतलब पूरा 20 पूरा 21 और 22 में रिलीज, मतलब यू नो, तो 2.5 साल का जर्नी, बहुत लंबा जर्नी होता है आजकल. वो पहले सुनते थे कि 3 साल से पिक्चर बन रही है, वो आजकल नहीं होता ना ऐसा, आजकल तो फट फट आता. तो कभी कभी सोच में आता कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन देखो सरप्राइजेस एवरीवेयर. फिल्म इज अ ब्लॉकबस्टर, बिगेस्ट ऑफ दिस ईयर, सो आई थैंक अनीस जी एंड एवरीबडी एंड टी सीरीज एंड मुराद भाई एंड एवरीबडी. और उसके बाद मेरी वेब सीरीज आ रही है कॉल्ड सत्या, बहुत ज़बरदस्त वेब सीरीज है.
मर्डर मिस्ट्री है, एक राइटर की कहानी है, नॉवेलिस्ट है जो मैं प्ले कर रहा हूँ, और एक मर्डर होता है उधर, बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है। कौन कर रहा है, मतलब घर में तीन लोग ही हैं, चौथा भाई मर्डर हुआ है, तो किसने किया है, तो वो एक सिंपल दिख रहा है, सिंपल नहीं है। दिस इज राइटर, हाउ ही प्लान, हाउ ही इंटरवोवंस एवरीथिंग एंड हु इज मर्डर्ड एक्चुअली, बहुत ही अलग, मतलब अब बोला इसने किया है और मैंने इसने किया होगा, तो इट्स लाइक अ चैलेंज इज द ऑडियंस। सिक्स एपिसोड फर्स्ट सीजन इज ब्यूटिफुल, सो आई एम वेटिंग फॉर दैट। और अब ये भी शुरू हो क्योंकि तुम ही हो, एंड दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू इन 2023 तक जाएगा, तो आई थिंक इट्स गोइंग कैरी ऑन, एंड देन देयर आर फ्यू मोर स्टोरीज आई हैव गॉट व्हिच आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड डिफरेंट, एंड आई वांट टू पिच देम, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड पिचिंग टू द बिग जीसीज, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज एंड इफ दे एक्सेप्ट इट एंड कंटिन्यू एज अ प्रोड्यूसर, एंड ऑफ कोर्स मंडे आई विल मेक अ फिल्म। नई नई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स के साथ में हमारे हाजिर, और क्योंकि की उस सफलता जैसी वहां पर मिली थी यहाँ पर भी मिलेगी जरूर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।